अरे नीचे बैठो भाई, बंदे मर्दान निवेश भाई, सब लोग नीचे बैठाओ। यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि उस परिवार को न्याय मिल सके। इस परिवार ने ये दुख कहा है, जिस परिवार के साथ ये दुख हुआ है वो हमारा परिवार भाई। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित परिवार जो मांगे रख रहा है वो मांगे पूरी हो, इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। और बेसिकली जो लोग यहाँ है वो इसलिए यहाँ है कि वो इस परिवार के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, वो इसी परिवार से। गांव देहात में होता है रोज हम सुनते हैं, ठीक है वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं, लेकिन ये दिल्ली है, यहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, गृह मंत्री जी रहते हैं, सारे एमपी रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट है। अगर यहाँ भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये बड़ा सोचने का विषय। फिर देखो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग कई पार्टियों के समर्थक हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझने की बात है कि दिल्ली जो हाईटेक सिटी कहा जाता है, जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यहां मार्शल है, हर गाड़ी में कोई बहन बेटी है सुरक्षित नहीं, वहां ये इतना बड़ा हत्याकांड अन्य अत्याचार कैसे हो गया? और ये अन्य अत्याचार हुआ, अभी मुझे परिवार द्वारा बताया गया कि भाई मारपीट की गई थाने में, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े मोहसिन परिवार जी मिले, हम लोग पहले भी दिल्ली में एक घटना में रहे थे, हाथरस हुआ था, ये बिल्कुल अपराधियों ने सीख ले ली कि हाथरस जैसा कर दो बच्चे के सब को जला दो तो कुछ नहीं होगा। उनको ये नहीं पता कि यहाँ लड़ने वाले, अपने समाज के लिए खड़े होने वाले, खुंटा ठोक देने वाले बहुत लोग हैं, ये समाज कमजोर नहीं है। इस समाज ने कल ही बता दिया था कि हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर रहेंगे और हमारे अंदर ताकत है, कल से बंद किया हुआ है सबको। बात में हुई, मैं पुलिस की कथनी करने पर भरोसा नहीं रखता हूँ, वो कहते कुछ और करते कुछ है। मैं जब पूरी धाराएं खुद देखूंगा कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और उन्होंने क्या अपील की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है नहीं चल रहा है, वो जो आरोपी है वो गिरफ्तार हुए इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट उन्होंने सजा दिलाने के लिए क्या क्या एविडेंस जो है इकट्ठा किए, हमें हर चीज पे न्याय ध्यान रखना पड़ेगा वरना न्याय नहीं मिलेगा। हाथरस का पता आपको भी, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के बीच में जाता है तो हमला हो जाता है, यहाँ दिल्ली में नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को क्या अब तक नहीं महसूस हुआ कि परिवार के बीच जाना चाहिए था? और जाके मुख्यमंत्री सब जहां चले जाते उनकी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है समाज में और ताकत इकट्ठी करनी चाहिए बताने के लिए कि हमारे बीच में आना पड़ेगा, जिन्होंने बनाया है उनके न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अन्याय नहीं सहेंगे, इस बात को बताने के लिए हम लोग यहाँ। और जब तक न्याय नहीं मिलता, परिवार की मांगे पूरी नहीं होती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ प्रशासन शासन के लोग हैं, सब लोग सुन लें, हमें यही एक काम है और यही आता है, यही राजनीति है कि जब कहीं जुल्म जाती होगी तो हम घर नहीं बैठेंगे, सड़क पर बैठेंगे और न्याय मांग करेंगे। हमारी बहन बेटियां बैठी है, हमारी माएं खड़ी है, तो हम लोग कैसे नहीं बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे। और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सबसे निवेदन है कि बैठ जाएं, हम परिवार की मांगों को लड़ने के लड़ेंगे और जब तक पूरी नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस लड़ाई को समर्थन दिया, जिन लड़ाई जिस समाज ने, जिस योद्धाओं ने समाज लड़ाई को शुरू से लड़ा, हमारे उस समाज के योद्धाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहनों माताओं का, कि वो इस लड़ाई को मजबूती से और लड़े, हम सब उनके पीछे खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम जय भारत। हेलो शांति रूप से ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा और सब तक चलता रहेगा।
और माननीय मोदी साहब जी से बात करें।